चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो था आपका है ना, नॉर्थ वेस्ट यूरोप वॉज डोमिनेटेड बाय थ्री मेन सेल्टिक ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे तीन मेन सेल्टिक ग्रुप थे। सबसे पहला था गाउस। ओके, ये एक्चुअली आज का जो फ्रांस है वहां पे रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको यू नो जब क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूजन होता है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेंगी। ओके, तो याद रखिए गाउस जो थे वो आज के फ्रांस में रहते थे। और एक बार आप मैप जरूर देख लीजिएगा कि फ्रांस कहाँ पे है, और आपको इजीली पता चलेगा यू नो ब्रिटेन कहाँ है एक्चुअली। ओके, ब्रिटेन का पीछे का पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स कहाँ है, ये सब देख लीजिएगा। और फिर ये ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना और फिर बाद में यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, इसका भी छोटा सा वीडियो एक है, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। ओके, तो जो गाउस थे आज के फ्रांस जो है वो एक्चुअली वहां पे जाके बसे हुए थे, और ब्रिटन्स जो थे ग्रेट ब्रिटेन में थे, और जो गेल्स थे वो आयरलैंड में थे। तो मैंने आपको बताया था आयरलैंड जस्ट नेक्स्ट टू आपका ब्रिटेन है। ओके, तो एक बार मैप में इसको जरूर चेक करिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोथ ब्रिटिश एंड गैलिक जो ट्राइब थे है ना, यानी कि ये आयरलैंड जो जस्ट ब्रिटेन के जस्ट साइड में, मान लीजिए ये ब्रिटेन का मैप है। ओके, तो इसके जस्ट साइड में ही क्या है, आयरलैंड है बना हुआ। ओके, तो इनमें आपस में, इन दोनों ट्राइब्स में क्या आपस में बहुत झगड़ा होता था, ये हमेशा झगड़ते रहते थे। ओके, और एक दूसरे का कैटल्स भी क्या कर लेते थे, मतलब जो जीत गया वो उसका कैटल ले गया। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप टू द नॉर्दर्न इंडियन शेयर अ कॉमन। ओके, ये चीज तो होता था, लेकिन अब ये वेस्टर्न यूरोप, यदि आज की भी हम बात करें तो वेस्टर्न यूरोप से लेकर नॉर्दर्न इंडिया तक कुछ कॉमन ओरिजिन है हमारे। ओके, और यहाँ पे कॉमन ओरिजिन जो है उसके साथ साथ हमारे लैंग्वेजेस में भी काफी यू नो आज भी जो हमारे लैंग्वेज में उसके बहुत सारे वर्ड्स मिलते जुलते हैं। ओके, तो ना केवल कॉमन ओरिजिन है बट लैंग्वेज से भी आप इस चीज को आज भी पता कर सकते हैं। अब जो एवन जो शब्द है आपने पढ़ा होगा, यदि आपने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है तो ये शब्द जरूर सुना होगा आपने। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि एक्चुअली कैसे विलियम शेक्सपियर से ये वर्ड कनेक्टेड है। तो एवन जो है एक्चुअली सिक्स रिवर्स है ना, वहां पे सिक्स रिवर्स को एवन बोला गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेल्टिक वर्ड है वो सेल्टिक वर्ड एवन रेफर करता है किसको, रिवर को। ओके, इसीलिए तो ये आप समझ सकते हैं, और बाकी हम बाद में जरूर पढ़ेंगे।